हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज फैब्रिक टेक्सचर एंड लाइन फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फैशन। दिस टॉपिक इज फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। फैब्रिक फैब्रिक इज अ क्लोथ और अदर मटीरियल प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग टुगेदर कॉटन, नायलॉन, वूल, सिल्क और अदर थ्रेड्स। फैब्रिक आर यूज्ड टू फॉर मेकिंग थिंग्स सच एज क्लोथ्स, कर्टन्स एंड शीट्स। फैब्रिक क्या है? फैब्रिक एक कपड़ा है जिसे हम बुनते हैं एक साथ करके, वीविंग के साथ जो बनाया जाता है। वीविंग को हम बुनाई बोलते हैं, जिसमें आते हैं कॉटन, नायलॉन, वूल, सिल्क और बाकी के थ्रेड्स। फैब्रिक के साथ क्या क्या चीज़ें बनती हैं? क्लोथ्स बनते हैं, कर्टन्स बनते हैं, शीट्स बनती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो बनती हैं। अब इस चार्ट की बात करते हैं। फाइबर, फाइबर को रेशे कहा जाता है। जब फाइबर्स को ट्विस्ट किया जाता है एक साथ, छोटे छोटे रेशों को ट्विस्ट किया जाता है, तो ये धागों के रूप में हमारे सामने आते हैं, यार्न बन जाते हैं और यार्न को वीविंग और निटिंग के साथ कपड़ों में कन्वर्ट किया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। जब वीविंग और निटिंग की जाती है उससे कपड़ा बनता है। तो कपड़ा जो है वो नेचुरल और सिंथेटिक और रीजनरेटेड होता है। नेचुरल फाइबर होते हैं जो जैसे कपास, कॉटन और भेड़ की खाल से बनते हैं। सिंथेटिक फैब्रिक कौन से होते हैं? जो शाइन वाले होते हैं और वो केमिकल वगैरह से बनते हैं। रीजनरेटेड वो होते हैं जिनको रीजनरेट करके दोबारा से बनाया जाता है। टाइप्स ऑफ फैब्रिक, देयर आर टू टाइप ऑफ फैब्रिक, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल फैब्रिक सच एज वूल, कॉटन, सिल्क एंड लिनन आर मेड फ्रॉम एनिमल कोट्स, कॉटन प्लांट्स, सीड्स, पॉड्स, फाइबर्स from silkworm and flax fiber from the stalk of a plant respectively। अब जो कपड़े होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बनते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है सिंथेटिक। नेचुरल जो होते हैं उसमें आती है वूल, कॉटन, सिल्क और लिनन। सिंथेटिक जो होता है उसमें, सिंथेटिक में केमिकल वगैरह जो है वो प्रोटीन्स वगैरह यूज करके हैं वो बनाए जाते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक जो होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, फाइबर्स जो होते हैं वो दो प्रकार से हमारे सामने आते हैं। जो रेशे होते हैं वो दो प्रकार के हमारे सामने आते हैं, एक होते हैं नेचुरल और दूसरे होते हैं मैन मेड। नेचुरल में तीन कैटेगरीज होती हैं, वेजिटेबल, एनिमल एंड मिनरल। वेजिटेबल के बीच कॉटन, लिलन, जूट, हेम्प ये सब आते हैं। एनिमल के बीच में सिल्क आती है और वूल आती है। मिनरल एब्जॉर्ब्स होते हैं। मैन मेड में नायलॉन, प्लिस्टर, एक्लेरिक, रेयॉन ये सब जो हैं वो मैन मेड में आते हैं। नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो हमें नेचुरली तरीके से मिलते हैं, जैसे कि कपास से मिलते हैं, किसी पौधे से मिलते हैं या किसी जानवर से मिलते हैं, वो होते हैं नेचुरल। और जो हम खुद जनरेट करते हैं, जिन्हें हम खुद बनाते हैं, मिक्स करके बनाते हैं केमिकल वगैरह से, वो होते हैं मैन मेड। नेचुरल फैब्रिक्स, नेचुरल फैब्रिक इज वुवन और निटर फ्रॉम फाइबर दैट अकर इन अवर नेचुरल वर्ल्ड। ऑल थ्री सेक्टर ऑफ नेचुरल, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल प्रोड्यूस फाइबर्स दैट कैन बी यूज इन फैब्रिक प्रोडक्शन। नेचुरल फाइबर जो होते हैं उनकी बुनाई की जाती है, वो नेचुरल तरीके से हमारे सामने आते हैं, जिसमें कौन कौन से सेक्टर होते हैं? एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल। एनिमल में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? जैसे वूल। वेजिटेबल में कॉटन, जूट, लिलन और मिनरल में जो अब्सॉर्बेस्ट होते हैं, ये सब जो है वो नेचुरल फैब्रिक होते हैं। मैन मेड फैब्रिक कौन से होते हैं? नेचुरल फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क एंड वूल आर मेड ऑफ एनिमल और प्लांट बिसाइड फाइबर, वाइल सिंथेटिक्स आर मैन मेड एंड प्रोड्यूस ईदरली फ्रॉम केमिकल्स टू क्रिएट फैब्रिक लाइक प्लिस्टर, रेयॉन, एक्लेरिक एंड मैनी अदर। ओवर द ईयर्स दीज सिंथेटिक फाइबर हैव इंक्रीजिंगली ग्रोथ इन पॉपुलरिटी, प्लिस्टर, एक्लेरिक, रेयॉन, नायलॉन। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है, नेचुरल फैब्रिक जो होते हैं वो होते हैं कॉटन, सिल्क और वूल।
और इन सबको एक बेसिक फैब्रिक के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके बीच में मैनमेड जो होते हैं वो सिंथेटिक और केमिकल को यूज़ करके, सिंथेटिक चीज़ों को यूज़ करके और केमिकल्स को यूज़ करके जो है फैब्रिक बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जिनमें आते हैं पोलिस्टर और रेयन और एक्रेलिक और अदर। आज के टाइम में ये काफ़ी इंक्रीज हुए हैं, काफ़ी ग्रोथ हुई है इन सब फैब्रिक्स में, फैब्रिक्स की जो मैनमेड में आते हैं, जैसे पोलिस्टर, एक्रेलिक, रेयन, नायलॉन। टेक्सचर क्या होता है? जो हम फील करते हैं, जिसको हम देखते हैं, द लुक एंड फील ऑफ फैब्रिक, हम उसको देखते हैं और उस कपड़े को फील करते हैं। कैन क्रिएट इलस्ट्रेशन ऑफ साइज, कैन डिस्कस फिगर इररेगुलरली, कैन ऐड इंटरेस्ट टू अ गारमेंट। इसका क्या प्रोसेस होता है, ये क्यों होते हैं? इसके हम साइज को पता चल जाता है, इसकी इररेगुलरेटरी फिगर का पता चल जाता है, इंटरेस्ट बनता है गारमेंट के बीच में। द टेक्सचर यूज्ड इन अप्रैल शुड बी सूटेड टू द ओकेजन फॉर विच द गारमेंट विल बी वॉर्न। टेक्सचर हमें ये बताते हैं कि कौन से ओकेजन में कौन सा गारमेंट पहनना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं गर्मियों के कपड़े की, तो हम उसके टेक्सचर से उसको देख के, उसको हाथ में लेकर पता कर सकते हैं ये पतला कपड़ा है और ये मोटा कपड़ा है, किसको किस ओकेजन में पहनना चाहिए, ये हम सब फील कर सकते हैं गारमेंट को देखकर। देन ही हम गारमेंट को वेयर कर सकते हैं, जब हम देखते हैं कि वो वाला टेक्सचर जो है हमारे पहनने के लायक है। टाइप्स ऑफ टेक्सचर, स्ट्रक्चर टेक्सचर, टेक्सचर डिटरमाइंड बाय द फैब्रिक यार्न एंड द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज टू प्रोड्यूस अ गारमेंट, एग्जाम्पल वेलवेट शर्ट, स्ट्राइप वूल पैंट्स। टेक्सचर में अब कौन कौन सी, जैसे हम आप सबने देखी होगी कॉर्डरॉय की पैंट्स होती हैं, वो उसका टेक्सचर है, डेनिम की है जो उसका हार्ड टेक्सचर होता है, जो उसका फाइबर होते हैं, उसका जो यार्न होते हैं, उसको जब बनाते हैं तो वो गारमेंट का एक अलग ही स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल पे आप वेलवेट शर्ट देख लो, वो हमें थोड़ी सी खुरदरी और मुलायम सी भी लगेगी, क्योंकि एक तरफा वो खुरदरी होती है और दूसरी तरफ जब हम उसको करते हैं तो वो मुलायम सी हमें फील होती है, तो उसका वो स्ट्रक्चर है। एडेड विजुअल टेक्सचर, द फिनिश एंड डिजाइन अप्लाइड टू द सर्फेस ऑफ द फैब्रिक, एग्जाम्पल द प्रिंट ऑफ द फैब्रिक कैन गिवन द इलस्ट्रेशन ऑफ हाई और विड्थ टू द वेरियर। शाइनी टेक्सचर मेक पीपल लुक लार्जर बिकॉज दे रिफ्लेक्टिंग लाइट। अब विजुअल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो डिज़ाइन की को ऐसा बनाया जाता है जिससे उसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में पता चलता है। शाइनी टेक्सचर जो होते हैं वो लार्जर दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो होते हैं एडेड विजुअल टेक्सचर। एग्जाम्पल के तौर पर कॉर्डरॉय, वेलवेट, डेनिम, साटिन, कॉटन एंड प्लिस्टर। कॉर्डरॉय, ये कॉर्डरॉय है जो आप डायग्राम में देख रहे हैं जहां पे कर्सर है, तो नेक्स्ट डेनिम ये वाला है जो हम जीन्स पहनते हैं। ये जो फोटोग्राफ में आप देख रहे हो प्रिंटेड फैब्रिक, ये सब कॉटन के हैं, और ये जो शाइन वाला आप कपड़ा देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, इसे हम साटिन बोलते हैं। तो ये सब इन सब फैब्रिक के टेक्सचर होते हैं। आगे हम बात करते हैं लाइन, a distinct and logged mark that can lead the path of the eye movement up and down, side to side or around object, give direction or a feeling of movement, provides visual direction, help draw attention to good point and play down the bad ones. इसमें क्या होता है, हमारी आंखों को एक पाथ मिलता है, एक राह मिलती है, मूवमेंट होता है, अप एंड डाउन होता है, इन सब को हम लाइंस बोलते हैं। ये डायरेक्शन के बारे में हमें बताती हैं, फीलिंग ऑफ मूवमेंट होती है इसमें, विजुअल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हमें, ये पूरी की पूरी जो है फिगर हमारे सामने ला के रखता है, लाइन अप है, डाउन है, किस डायरेक्शन में है। आगे लाइंस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ लाइंस, वर्टिकल लाइंस, लाइंस गो अप एंड डाउन, वर्टिकल लाइंस कैन क्रिएट अ टॉलर और मोर शोल्डर लुक। लाइंस जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो ऊपर नीचे जाती हैं, मतलब वो लंबाई की ओर हमें दिखाती हैं, इससे वर्टिकल लाइन से हम और लंबे लगते हैं और शोल्डर लगते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस, लाइन दैट गो अक्रॉस हॉरिजॉन्टल लाइंस गिव अ शॉर्टर वाइडर लुक। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं, जैसे वर्टिकल लंबाई को दर्शाती हैं, हॉरिजॉन्टल चौड़ाई को दर्शाती हैं, तो इसमें हाइट छोटी लगती है
शॉर्टर बनती है लाइंस ये, और लुक थोड़ी वाइडर होती है, बड़ी होती है. डायगोनल लाइंस, लाइंस दैट स्लांट एट एन एंगल रादर देन बीइंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. डायगोनल लाइंस वो होती हैं जो एक एंगल बनाती हैं, ना वो वर्टिकल होती है और ना ही वो हॉरिजॉन्टल होती है. ये एक एंगल के द्वारा स्लांटिंग होती है, जो तिरछी लाइंस जिन्हें हम बोलते हैं. वेज टू क्रिएट लाइंस इन फैब्रिक, लाइंस में हम किस तरीके से जो है फैब्रिक में हम किस तरीके से जो है लाइन को बना सकते हैं. स्ट्रक्चर लाइंस, लाइंस परफॉर्म्ड बाय द सीम, डार्ट, प्लीट्स, टक्स एंड एज व्हेन गारमेंट आर कंस्ट्रक्टेड. जब आप गारमेंट को कंस्ट्रक्ट करते हो, बनाते हो, तो आप उसमें सीम्स, डार्ट्स, प्लीट्स, टक्स इन सब की हेल्प से लाइंस क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो. ये सब तरीकों से ये लाइनिंग जो की गई है, ये कंस्ट्रक्ट करते टाइम बनाई गई है, इसे हम स्ट्रक्चर्स लाइंस बोलते हैं. डेकोरेटिव लाइंस, लाइंस क्रिएट बाय डिटेलिंग एडेड टू द सरफेस ऑफ क्लोथिंग इंक्लूडिंग फैब्रिक डिजाइन एंड टर्म्स सच एज टॉप स्टिचिंग, लेस, टैब्स, फ्लैट एंड बटन्स यूज टू डेकोरेट द गारमेंट. डेकोरेशन लाइंस कौन सी होती हैं? जब हम कपड़ा स्टिच करते हैं उसको और डेकोरेट करने के लिए जो हम आइटम्स यूज करते हैं, जैसे कि लेस, बटन, जिपर, जो इस डायग्राम में आप देख रहे हो जिपर भी है और साइड पे बटनिंग भी की हुई है और लेसिंग भी की हुई है, तो ये एक डेकोरेटिव ड्रेस रेडी की गई है जिसे हम खुद से लाइनिंग करके ड्रेस को बनाते हैं. जब ये सब स्टिच की जाती हैं तब इन सब में लाइनिंग की जो है और इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है. इन सब से हम कपड़े को और डेकोरेटिव तरीके से बना सकते हैं. So I think you all understand the presentation. Thank you so much.